नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरल गेमिंग में। तो भाई आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है, आज की वीडियो सबसे स्पेशल है। भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वॉर आरपीजी के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वॉर आरपीजी के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स आज तक किसी भी इंसान ने नहीं बनाई, किसी भी इंसान मतलब किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बनाई है वॉर आरपीजी के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर मेरा आपको यकीन नहीं है तो अब जाके यूट्यूब में सर्च कर लिए वॉर आरपीजी टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको एक वीडियो नहीं मिलेगी। मगर अगर आपने सर्च किया है ये तो आपको ये वीडियो ज़रूर मिली होगी, क्योंकि ये पहली वीडियो है जो आरपीजी वॉर आरपीजी के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीधे हम चलते हैं टिप नंबर वन में। तो टिप नंबर वन है आपकी लैंडिंग। लैंडिंग आपको जैसे ही जंप आप बटन आपको दिखे वैसे ही आपको जंप बटन दबा देनी है तुरंत। 45 डिग्री जिस साइड से मैं कर रहा हूँ आप देख लीजिए, और जितना भी ग्रीन एरिया होता है, ग्रीन एरिया जितना भी आप देख सकते हैं उसमें आपको बिल्कुल भी लैंड नहीं करना है। ग्रीन एरिया आप लैंड करेंगे तो जो भी छत में ऊपर लैंड करेगा वो आपको तुरंत दे के मार देगा। मगर अगर आप नीचे उतरेंगे अब तो सबसे कुन्ने में जो आपको घर मिले, देखो जो मुझे ये मिला तो मैंने यहाँ पर छलांग लगा ली, छलांग मतलब लैंड करा। तो यहाँ पर मुझे एक बंदा देखा, ये देखिए शेडो देखिए मुझे, ये देखिए ये उतरा है। तो इसको जैसे अगर इसकी जगह मैं होता ऊपर जो बंदा होता तो मैं मर जाता, मगर यहाँ पर मैं ऊपर उतरा था समझदारी से तो ये मुझे नहीं मर पाया। ये सामने मेरे सपोर्ट है दीवार का, इसलिए मुझे बहुत कम डैमेज पड़ा जब मुझे ये पड़ा। तो ये देखिए आप इस तरीके से आपको कितने बंदे दिख रहे हैं सामने, आप तुरंत इंस्टेंटली किल कर सकते हैं सबको। ये देखिए सामने मेरा घर चुरा लिया उसने, देखिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक। तो ये ट्रिक आपकी बड़ी खास है, देख मेरी सिंपली बहुत ज़्यादा फेवरेट है इस ट्रिक में, मुझे बहुत करने में मज़ा आता है। बस आपको करना क्या है, आपको एक आध बंदे मार के थोड़ी सी आरपीजी की एमओ ज़्यादा सी लेके ये आपके आधे मैच में तो चली जाएँ। इतनी एमओ लेके आपको फट से ऐसी चीज़ जो जगह होती है, देखिए ये बंदा तो अपने में लीन है, इसको हम तुरंत भाग कर देते हैं। ये गया तो ऐसे, और यहाँ पर जो सपेड़े बने बंदे होते हैं आप उन्हें ही मार सकते हैं ऐसे वो। ये तो देखिए आप, ये यहाँ से आपको इतना अच्छा व्यू मिलेगा कि आप हर साइड से आप देख लेंगे। देखिए हर साइड का पूरा 360 आपको व्यू मिल रहा है पूरा। ये देखिए सब बने लेटे हैं, ऐसे बंदों को तो आप तुरंत मार देंगे। देखिए एक वो आ रहा है, ठीक है देख लीजिए आप। ये ट्रिक सिंपली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, कि इस ट्रिक में करने मुझे इतना मज़ा आता है कि मुझे ज़्यादा सी एमओ लेके कम से कम 20-20 दोनों आरपीजी में, दो दो आरपीजी में मैं लेके ऊपर चढ़ जाता हूँ और मारता रहता हूँ बंदों को। कोई बंदा सोच भी नहीं पाता है आने के ऊपर, लेकिन कभी कभी फुटप्रिंट्स आपके आप देख लीजिए, देखिए जैसे एक फुटप्रिंट आ रहा है मुझे ना, फुटप्रिंट्स आप देख लिया करिए। जब भी फुटप्रिंट आए फुटप्रिंट्स आए तो आपको तुरंत देख लेना, देखिए जैसे ये आ गया, ये अपने आपको पता नहीं क्या समझ रहा, ओ गलती से मेरी ग्रेनेड में क्लिक हो गया है। तो ठीक है ये वाली ट्रिप में बस इतना ही, चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप में। तो टिप नंबर 3 आपकी ड्रॉप। जैसे देखिए ये वाली ड्रॉप जस्ट अभी गिरी है, देखिए बंदा लूटने जा रहा है, तो यही आपको नहीं करना है। आपको तुरंत जैसे ही आप मरते हैं तो उस समय आपके सामने अगर ड्रॉप साथ में आ रही है तो आपको बिल्कुल भी ड्रॉप लूटना नहीं जाना। जैसे ये देखिए मैं जैसे ही उतरा ये ड्रॉप में लूटने के चक्कर में, ऐसे ड्रॉप में कुछ आरपीजी मोड में ड्रॉप में सिर्फ एमओ मिलती है, लेवल 3 का वेस्ट और हेलमेट मिल जाता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलता है। तो ड्रॉप लूटने के चक्कर में आप ज़्यादा तो पढ़िया मत करिए, इसलिए आप ड्रॉप लूटने की जगह आप बंदे मारें ड्रॉप के पास खड़े होके। देखिए ये ट्रिक से मुझे कितने ज़्यादा वो हो रहा है, मैंने आते ही दो बंदे मार दिए, तीन बंदे ड्रॉप की वजह से। देखिए गलती से मेरी वहीं लग रही है। देखिए ये ट्रिक आपके बड़े काम आने वाली है, ये ट्रिक मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जब भी मेरी ड्रॉप गिरती है मैं उसी के साथ हमेशा गिरता हूँ। तो यहाँ मुझे मिल चुका है चिकन डिनर, ठीक है आज तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक में। नेक्स्ट ट्रिक ये वाली ट्रिक हमारी तब काम करेगी जब हम होंगे वो, जब हमारा पानी और हमारी ड्रॉप एक साथ गिर रही होगी। देखिए अब मैं कैसे कर रहा हूँ, ये देखिए मैं ड्रॉप के पास ही गिरूँगा, आपको ड्रॉप भी मिल जाएगी बिना किसी हार्म के। हाँ मतलब आपको जीरो डैमेज, मतलब बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ेगा, आपको कोई देख भी नहीं पाएगा आपने कब ड्रॉप टूट ली। देखना आपको ड्रॉप के पास जाना है धीरे धीरे, अंडरग्राउंड होके जाना है, मगर अभी मैं नहीं जा रहा अंडरग्राउंड होके। अंडरग्राउंड होके आप जाके यहाँ पर कवर लेके देख लें किस साइड कोई बंदा नहीं है, देखो इस साइड कोई बंदा नहीं था तो मैंने वहाँ का कवर ले लिया। ये कवर लेके आपको अंडरग्राउंड होके इधर उधर जाना है,
अंडरग्राउंड नहीं, मतलब पानी के अंदर स्विम करना है आपको। ऊपर करके अगर आप जाएंगे तो आपको कोई भी आसानी से किल कर देगा। तो ये वाली ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ये टिप आपकी काम करेगी जब आप किसी को भी बंदे को मारते हैं, आप किसी को भी बंदे को मारते हैं तो आप उसको अगर डायरेक्ट किल करते हैं तो चाहे वो खुले में हो चाहे वो कैसे भी हो, अगर आप उसको गोलियों से मारेंगे, गोलियों मतलब आरपीजी से मारेंगे, तो आपको भी पूरा डैमेज पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको घूसों से मारेंगे नॉकआउट हुए बंदे को, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डैमेज नहीं पड़ेगा। यही थी हमारी टिप। ये टिप आपकी बड़ी अच्छी टिप काम करेगी आपकी स्टेयर्स में। जब भी आप स्टेयर्स में होती हैं, अगर आप यहाँ पर ऐसे करके डायरेक्ट गोली चलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डैमेज पड़ने वाला है। ये देखिए कितना ज़्यादा आपको डैमेज पड़ा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसे दबा के देखिए, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीक तो हो नहीं सकती है। तो देखिए आपको ऐसे करके दबा के ऐसे हो जाना है तुरंत, जैसे मैंने किया है। आप मेरी उंगलियों को देख लीजिए कि मैंने कैसे किया है। जॉयस्टिक्स में मेरी जॉयस्टिक मतलब जो भी इसमें वो होते हैं, देखेंगे आपको, आप समझ जाइए। वीडियो पॉज करके आप पैक करके देख लीजिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप में। तो ये आज की हमारी सबसे स्पेशल ट्रिक है। सबसे स्पेशल मतलब ये सबसे आज तक की जो स्पेशल ट्रिक है, अभी तक मैंने जितनी भी ट्रिक, आप जैसे ही नॉकआउट होते हैं आप कहीं भी छुप जाइए और वहीं पर अपनी सारी लूट डाल दीजिए। देखिए जैसे मैंने करा है, सारी चीज़ें आप वहीं पर डाल दीजिए जिससे आप पहले मरें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जो आपका वो होता है जिसमें हमारी मरते हैं तो हमारा जो ग्रीन ग्रीन धुआं निकल के जो हमारा बक्सा बन जाता है उसमें आप वो गायब हो जाता है वहाँ पर। अगर आप दोबारा आएंगे वो एक मिनट के अंदर गायब हो जाता है। तो मगर आप अगर ऐसे करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया है, अब वहीं पर मार्क माई लोकेशन कर लीजिए और वापस से अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको देखिए क्या होगा, आपको वो सारी लूट वापस आपके मिलेगी अगर किसी ने उठाई नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कोई ऐसी जगह आप उसको छुपाइए जहाँ पर कोई ना आता हो। कोई ना आता हो मतलब जहाँ पर कोई ना आ पाए, मतलब जहाँ पर जिसकी ज़्यादा ध्यान ना जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं वापस जाऊँगा तो मुझे वहाँ पर वो पूरी लूट मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैंने छोड़ी थी मार्क माई लोकेशन करके, मैंने वहीं की लोकेशन डाल दी थी। अरे स्टेयर्स कहाँ गई, स्टेयर्स पता नहीं कहाँ चली गई, वो देख गई। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जादू, आपको वो सारी लूट मिल चुकी है। तो ये ट्रिक आजमा करके आप इतना ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये आज की थी हमारी लास्ट ट्रिक। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में कमेंट करना जिस टाइप की आपको वीडियो बनवानी है, कौन सी टिप्स चाहिए आपको, कौन सी ट्रिक्स चाहिए आपको। चलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड लक, गुड बाय।